क्या बोल रहा है इधर, क्वेश्चन नंबर 4A एग्जाम का क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हाट प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, एंड टाइप ऑफ टैक्स लेवियबल। आ गया ना, पहले भी कर चुका हो, ठीक है। तो आपके पास पूरा क्वेश्चन दिया है, सप्लायर और उसका लोकेशन है, रिसिपिएंट एंड हिज लोकेशन है, और सबसे बड़ी बात क्या है इधर, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स। तो सीधा कुछ देखने का नहीं, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स आ गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, जहां गुड्स असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड हुआ है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, फिनिश, ठीक है। तो बस अब क्या करना, एग्जाम में डायरेक्टली लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ टैक्स लेवेबल। पूरा ये फॉर्मेट रहेगा आपका, रेडी रखना सप्लायर एंड इज लोकेशन, पूरा ये कर देना। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको आ जाएगा इधर, आगे कॉलम बना, ये नेक्स्ट कॉलम बना देना, क्या इधर जो कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, ये कॉलम हम लोग ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। चलो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं हम लोग, नेचर ऑफ सप्लाई। क्या नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हम क्या करते बेटा, नेचर ऑफ सप्लाई और बाद में आपका टाइप ऑफ टैक्स लेवल, हो गया ना फॉर्मेट। ऐसा आपको डायरेक्टली एग्जाम में बना लेना है पूरा, सप्लायर एंड इज लोकेशन, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स फटाफट, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर मैं लिख देता हूँ आपका, क्या ये हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर इधर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा टाइप ऑफ टैक्स लेवेबल, क्या बेटा, टाइप ऑफ टैक्स लेवेबल, ठीक है। चलो अब सीधा सा सवाल है, देखो प्लेस ऑफ असेंबली या इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स आया तो जिधर भी गुड्स असेंबल्ड या इंस्टॉल्ड हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, बराबर है। इधर भी इंदौर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इधर कैलकाटा, मतलब कोलकाता होता है ये, ठीक है। और उसके बाद ये मुंबई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, खत्म, सिंपल ना। जिधर भी आपका प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स आ गया वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, गुड्स जहां असेंबल्ड हुआ इंस्टॉल्ड हुआ दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब नेचर ऑफ सप्लाई निकालो, नेचर ऑफ सप्लाई के लिए क्या करते हो आप, प्लेस ऑफ सप्लाई को आप किससे कंपेयर करते हो, सप्लायर के लोकेशन से, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई को आप सप्लायर के लोकेशन से कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा आपका नेचर ऑफ सप्लाई, है कि नहीं बारा? तो चलो नेचर ऑफ सप्लाई क्या मिल जाएगा, आ जाओ बताओ नेचर ऑफ सप्लाई। अभी कंपेयर तो करो, पहले ये अहमदाबाद है और ये मुंबई है, अहमदाबाद मुंबई, मैं अहमदाबाद आपका गुजरात, बराबर है, और मुंबई आपका महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र आ गया तो नेचर क्या हो गया, कौन सा, इंट्रा की इंटर, बोलो इंट्रास्टेट हुआ कि इंटर हुआ, यस इंटर, ये हो गया इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, इंटरस्टेट सप्लाई, बराबर है, ये इंटरस्टेट हो गया। और बेटा इंटरस्टेट होगा तो क्या लगता है, इंटरस्टेट में क्या लगता है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा, जीएसटी में क्या लगेगा, आईजीएसटी। इंटरस्टेट हुआ मतलब आईजीएसटी, गॉट इट, इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी, राइट, क्लियर है, मालूम पड़ गया। इंटरस्टेट हुआ मतलब क्या हो गया बेटा, आईजीएसटी लगेगा, व्हाट इट, याद रखना, भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, अब नेक्स्ट वाला इंदौर है,
प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर है, सप्लायर का लोकेशन मुंबई है। लो इंदौर आपका एमपी में आ गया, मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, दो स्टेट, टू स्टेट के बीच में आ गया, मतलब कौन सा, इंटर इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो कौन सा टैक्स लगेगा बेटा, IGST। क्या लगेगा बच्चा, इंटर स्टेट हुआ तो क्या लगेगा, IGST, बराबर है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गॉट इट, मालूम पड़ गया क्या लगेगा, IGST। और वो टैक्स का रेट वो डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स है, उसके ऊपर टैक्स का रेट डिपेंड करता है। जैसा गुड्स रहेगा वो, जो गुड्स क्लासिफिकेशन जिस कैटेगरी में आएगा उसके हिसाब से उसके ऊपर 5% लगना है कि 12% लगना है कि 18% लगना है कि 28%, वो कौन से कैटेगरी में है उसके बेसिस पे लगता है टैक्स का रेट। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ सप्लाई, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, इधर क्या है, कोलकाता, मतलब इधर कैलकाटा लिखा है बट कोलकाता है, बराबर है। सो कैलकाटा है ये प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपेयर किया मुंबई से तो भाई वो कोलकाता और मुंबई महाराष्ट्र हो गया, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो दो स्टेट मतलब टू स्टेट मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन, इंटर। और बच्चा इंटर आया तो क्या लगेगा, इंटर आया तो विंटर सीजन में IGST लग जाएगा फिर, ठीक है, IGST बरा, मालूम पड़ा। चलो अभी नेक्स्ट, अब जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इधर देखो मुंबई, मुंबई आमची मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, और सप्लायर का लोकेशन जो है, लोकेशन सप्लायर का लोकेशन भी मुंबई, मुंबई, राइट। तो मुंबई मुंबई, अरे भाई दोनों महाराष्ट्र में, तो अगर दोनों महाराष्ट्र में है तो क्या हो गया, ये सप्लाई का नेचर क्या है, इंट्रा, क्या, इंट्रा बाबा, इंट्रा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्या है, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। बेटा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, इंट्रा स्टेट, तो क्या लगेगा इंट्रा स्टेट पे, क्या लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, CGST और SGST लगता है बाबा, क्या लगता है, CGST प्लस SGST, मुंबई महाराष्ट्र में है भाई तो CGST और SGST लगते हैं, खत्म, फिनिश, हो गया 8 marks लेके जाने का, खत्म, फिनिश, गेम ओवर विदाउट एनी हैंगओवर, समझा, हो गया, डन, क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का लॉक कर दूं, ओके। तो हमेशा याद रखना, जिधर भी असेंबल या गुड्स इंस्टॉल, जहां भी असेंबल्ड हुआ है, गुड्स इंस्टॉल्ड हुआ है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। फिर उसको सप्लायर के लोकेशन से कंपेयर करो तो आपको नेचर ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। एक बार नेचर मिल गया तो भाई कौन सा टैक्स लगेगा वो मालूम पड़ जाएगा आपको। अगर इंट्रा है, इंट्रा है तो CGST प्लस SGST और UTGST, बराबर है। और अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट में क्या लगता है बच्चा, इंटर स्टेट में लगता है IGST, इंटर स्टेट में क्या लगता है IGST, याद रखना, भूलना नहीं, समझ गया, इंटर स्टेट में आपका लगेगा IGST और इंट्रा में लगेगा CGST SGST, got it, clear everyone, पक्का लॉक कर दूं।